झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, इनके सचिव के सहायक के घर से आज 30 करोड़ का कैश मिला है। रांची में भ्रष्टाचार का ये पहाड़ कहां तक फैला है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, क्या उत्तराखंड के जंगल में लगी आग के पीछे रील वाली सनक है, वहां एक वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है। तीसरी खबर, क्या केजरीवाल ने एक आतंकवादी से पैसे लिए, क्या ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए केजरीवाल की जांच करेगी। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका में चुनाव के दौरान क्या बाइडेन चाहते हैं, उससे पहले विश्व युद्ध छिड़ जाए, ये खबर चौंकाने वाली है। और पांचवी खबर, अमेरिका में कैपिटल हिल फिर से ट्रेंडिंग क्यों है, क्या 5 साल के अंदर अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले फिक्र देश के उन गरीबों की जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, और भ्रष्टाचारी नेता उन्हीं गरीबों के नाम पर विकास के पैसे की लूट करके अपने घरों की तिजोरियां भरते हैं, आलीशान बंगले बना लेते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कई पुश्तों का ठिकाना कर लेते हैं और अपने निजी सचिव के सहायकों तक के घरों में नोटों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। मामला कहां का है, कनेक्शन किसका है, सब आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, 500 रुपए के इतने बंडल आपको दिखेंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको हम साथ ही बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवर्तन निदेशालय के 7 से 8 अधिकारी नोटों को गिनने में जुटे हुए हैं। सुबह से ये गिनती चालू है, सुबह से ही, जी हाँ, ये गिनती चालू है। नोट गिनने के लिए 6-6 मशीनें, इन नोटों को गिनने के लिए 6-6 मशीनें लगाई गई हैं। 3-3 कमरों में नोट गिनने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ और इसे गिनने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, मशीनों को लगाया गया है। इसके साथ ही जब्त की गई ये पूरी रकम 30 करोड़ बताई जा रही है। हो सकता है कि फाइनल आंकड़ा इससे भी ज्यादा कहो, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरह से ये नोट गिने जा रहे हैं, वैसे ये नोट 7 से 8 बड़े से काले बैग में भरे हुए थे। और इसके अलावा बाहर जो आपको हम संदूक भी दिखाएंगे, वो संदूक भी आपको दिखेंगे, 6 संदूक रखे दिखे हैं। ईडी के अधिकारी इन्हीं बैग से नोट निकालकर मशीनों में गिन रहे थे और गिनते गिनते 2 मशीनें भी जल गई। मतलब ये कि मशीनों तक ने जवाब दे दिया। झारखंड में लोकसभा के चुनाव 13 मई को है, फिर 1 जून को है, उससे पहले चुनावी मौसम में मिला भ्रष्टाचार का धन सियासत में नया उबाल लेकर आया है। कांग्रेस करप्शन को लेकर सीधे प्रधानमंत्री के टारगेट पर आई है, क्योंकि इन नोटों का कनेक्शन झारखंड में कांग्रेस के मंत्री से जुड़ता दिखा है। ये है झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। इनके निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के घर आज सुबह अचानक से ईडी की टीम ने रेड की तो हर कमरे में भ्रष्टाचार वाली गड्डियां मिली। कहीं अलमारी में तो कहीं बेड में छिपा कर रखे गए 500 रुपए की गड्डी के पहाड़ मिले। नोट इतने कि सुबह से गिनती का कार्यक्रम चालू हुआ तो देर शाम तक बड़ी बड़ी मशीनों से नोट गिनने का काम चलता रहा। ये खबर जब प्रधानमंत्री मोदी को लगी तो उन्होंने एक चुनावी रैली से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? असल में झारखंड में आलमगीर आलम कांग्रेस नेता है। वो गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री है। बीजेपी का आरोप है कि उनके सचिव के नौकर के घर से मिले नोटों के इन बंडल का कनेक्शन मंत्री जी से ही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी बहाने कांग्रेस पर हमलावर दिखे। कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपए, मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए?
नोटों की बरामदगी के बाद मंत्री आलमगीर आलम की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने पहली फुर्सत में ही अपने निजी सचिव से पल्ला झाड़ लिया। क्या कहा ये भी सुनिए। आपका आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है विभाग के, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देख कर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। सच और झूठ का पता ईडी लगा लेगी, लेकिन मंत्री जी इस दूसरे सच से मुंह कैसे चुराएंगे कि नोटों के अलावा नौकर के घर से ट्रांसफर पोस्टिंग के कागजात भी बरामद हुए हैं। रांची से रुपेश कुमार और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और अब से थोड़ी देर पहले झारखंड में नोटों से भरे ईडी की टीम 4 बैग लेकर निकली है। ईडी की टीम पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज भी लेकर गई। ये बरामदगी आलमगीर आलम के सचिव के सहायक के घर से हुई। इसके बाद से आलमगीर आलम के नाम पर झारखंड में सियासत हुई है। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से साल 2000, 2004, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 में जब राज्य में गठबंधन सरकार बनी तो उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया। 2019 में जब उन्होंने चुनाव में हलफनामा दाखिल किया था तब 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दिखाई थी। अब आज उन्हीं के निजी सचिव के सहायक के घर से 30 करोड़ के नोटों के पहाड़ मिले। आपको जानकर ताजुब होगा कि इस सहायक की सैलरी महज 15,000 रुपए महीना है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि उसके घर से सिर्फ नोट ही मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ नोटों की गड्डियों के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े राज्य के कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहाँ होना है, उनकी जगह पर किसे लाया जाना है, इसकी पूरी जानकारी बाकायदा दस्तावेज जो दस्तखत के साथ हैं, तारीख के साथ मौजूद हैं। ईडी के अधिकारियों को इसी घर में ये तमाम चीजें मिली हैं और आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरें भी चली रही हैं साथ में। ये पन्ना, इस पर लिखा है हटाना जरूरी है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े पत्ते दर्ज हैं। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद हुआ है। तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना, मैं आऊंगा सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा, अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। झारखंड में ईडी के मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर पर ही छापेमारी नहीं की, बल्कि संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर भी रेड की। यहां से काफी कैश बरामद हुआ है। सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पर भी छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर झारखंड की 9 अलग-अलग लोकेशंस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अब TV9 भारतवर्ष इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सहायक के घर से कुछ ऐसे भी दस्तावेज मिले जिसने ईडी की पूरी टीम को हैरान कर दिया। तारीख देखिए, मई 2023, ऊपर लिखा है सीक्रेट, ये भी लिखा है शीघ्र कार्रवाई करें। ये लेटर प्रवर्तन निदेशालय का लिखा हुआ है और ये लिखा गया है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को। और यही लेटर आज ईडी की टीम को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव यानी संजीव लाल के नौकर के घर से बरामद हुआ। दरअसल ईडी की टीम को ये लेटर मिलने के बाद ईडी की टीम सन रह गई, क्योंकि ये वो लेटर था जो बहुत ही सीक्रेट था और इसे ईडी की टीम ने खुद चीफ सेक्रेटरी झारखंड को लिखा था और किसी सचिव के नौकर के घर से मिलना ये बड़ी साजिश को बताता था। अब सुनिए इसमें आगे क्या लिखा है। ईडी ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को
ये लेटर ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के संदर्भ में लिखा था, जिन पर पीएमएल एक्ट की धारा 66(2) के तहत कार्रवाई की गई थी। ये एक्शन पिछले साल फरवरी 2023 में हुआ था। वीरेंद्र राम के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो 10,000 रुपए के रिश्वत से जुड़ी थी। दरअसल नवंबर 2019 में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया वो वीरेंद्र राम के मकान में रहते थे, तब इसी घर से छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश मिले थे। उस समय सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि पैसे वीरेंद्र राम के हैं। जूनियर इंजीनियर सुरेंद्र वर्मा के खुलासे के बाद एसीबी की टीम ने वीरेंद्र राम पर कार्रवाई की, क्योंकि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था, इसलिए इसमें ईडी की एंट्री भी हो गई। और उसी के बाद जब ईडी ने कार्रवाई की तो फिर ये लेटर मिला। इस लेटर को करीबन 2023 के अंदर ईडी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था और इस लेटर में कई खुलासे भी थे। इस चिट्ठी के अंत में लिखा था कि पूछताछ के दौरान चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम ने कबूला है कि वो ठेकेदारों से टेंडर अलॉटमेंट को लेकर कमीशन के नाम पर रिश्वत लेता था। उसने अपने 14 अप्रैल 2023 को दिए बयान में भी ये खुलासा किया था कि ठेकेदारों से कुल निविदा मूल्य का 3.2% कमीशन लिया जाता था और उसका खुद का शेयर 0.3% था। वीरेंद्र राम पिछले एक साल से जेल में बंद है। उन्होंने ईडी से यह भी कबूला था कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है। यह पहली बार था जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल का इस मामले में पहली बार नाम आया था और आज हुई कार्रवाई भी इसी खुलासे में अगला कदम है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ईडी भ्रष्टाचारियों से जो भी रकम जब्त कर रही है उसे गरीबों में बांटने को लेकर वो तीसरे कार्यकाल में एक प्लान बनाएंगे, लेकिन अभी अगर इस 30 करोड़ को विकास कार्यों से जोड़कर देखें तो अनुमान के मुताबिक लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम हो सकते थे इसे समझते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे ये आंकड़े तमाम रिसर्च के आधार पर अनुमानों पर आधारित है। भारत में कहीं भी एक प्ले स्कूल खोलने में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस लिहाज से इस 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल झारखंड में 300 प्ले स्कूल खोलने में हो सकता था। किसी भी राज्य में प्राइमरी स्कूल खोलने का बजट अमूमन 10 से 12 लाख रुपए होता है। इस लिहाज से झारखंड में ही इस 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 240 प्राइमरी स्कूल खोलने में कर सकते थे। एक अनुमान के मुताबिक एक इंटर कॉलेज खोलने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च में आते हैं और इस लिहाज से इस 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल झारखंड में 10 इंटर कॉलेज खोलने में कर सकते थे। एक शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोलने की लागत करीब 25 लाख बैठती है। इस लिहाज से इस 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल झारखंड में 120 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोलने में कर सकते थे। 1 किलोमीटर हाईवे बनाने में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आती है। झारखंड में इन पैसों का इस्तेमाल विकास की सड़क बनाने में किया जा सकता था। नोटों के करप्शन वाले पहाड़ के बाद खबर उत्तराखंड के पहाड़ों पर धधक रही रील वाली आग की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उत्तराखंड के कुछ जंगल सोशल मीडिया पर रील वाली सनक की आग में सुलग रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी है। 3 दिन के भीतर 4 लोगों की जान जा चुकी है। कुमाऊं का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां जंगल में आगजनी की अब तक 482 घटनाएं दर्ज हुई हैं। अल्मोड़ा जिले से जंगल में आग लगने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां जंगल की आग प्रसिद्ध दुनागिरी मंदिर के गेट तक पहुंच गई है। इसके बाद कई श्रद्धालु मंदिर के अंदर फंस गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालु जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भाग रहे हैं। एक तरफ पहाड़ों पर जंगल की आग विकराल आपदा का रूप ले रही है, दूसरी तरफ रील बाजों को इस आपदा में अपने लिए सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने का अवसर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें 3 युवक जंगल में आग के बीच रील बनाते दिख रहे हैं। चमोली पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने रील बनाने के लिए गैरसैंण के जंगलों में पहले आग लगाई और इसके बाद आग के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उत्तराखंड के जंगलों में आग के बीच 41 सेकंड की यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये रील बीइंग सलमान खान X22 नाम के इंस्टा अकाउंट पर अपलोड की गई है। रील में 3 युवक पहाड़ों पर जंगलों में धधकती आग के बीच वीडियो बना रहे हैं।
दो युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरा युवक उन्हें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में देख रहे युवकों की बातों को सुनकर साफ लगता है कि उसने रील वाली सनक में जानबूझकर जंगलों को सुलगाया है। युवक ने सीधे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को एड्रेस करते हुए रील की शुरुआत की। कहा कि पहाड़ को जलाकर हमको एकदम भस्म करता है। इससे आगे के हिस्से में युवक अपनी पहचान जाहिर करता है। वायरल वीडियो की जांच करते हुए चमोली पुलिस ने ब्रजेश, सलमान और सुखलाल नाम के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। गैरसैंण क्षेत्र के जंगलों में आग लगाने के आरोप में तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पकड़े गए तीनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। युवकों ने पूछताछ में बताया कि सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स और लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये वीडियो डाला था। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज के लिए अपने साथ साथ दूसरों की जान खतरे में डालकर रील बनाने का ये ट्रेंड काफी खतरनाक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये किसी बीमारी के वायरस की तरह युवाओं के बीच फैल रहा है। वैसे रील वाला रोग देश में नया नहीं है। पहाड़ हो, जंगल हो या कोई नया हाईवे या सेतु हो, रीलबाज किसी भी जगह को अपना अड्डा बना लेते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष पर इसी शो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रीलबाजों ने उद्घाटन के बाद ही मुंबई के अटल सेतु पर कब्जा जमा लिया था। इसी साल 12 जनवरी को पीएम मोदी ने देश के इस सबसे लंबे समुद्र पुल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन होते ही रीलबाज सेतु पर सोशल मीडिया लाइक्स बटोरने के लिए रील या वीडियो बनाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और सेतु पर लगी ग्रिल तक को पार कर दिया। हालांकि ये किसी एक दो जगह की बात नहीं है, आपको किसी भी सार्वजनिक जगह पर रीलबाज लाइक्स, व्यूज के लालच में खतरों से खेलते दिख जाएंगे। देश में रीलबाजी का ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में रील बनाने के कारण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई। 21 दिसंबर 2023 को बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए 3 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, उनकी भी मौत हो गई। 22 जून 2023 को यूपी के बस्ती में फ्लाईओवर पर रील के लिए युवक ने स्टंटबाजी की, बाइक अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई, युवक की जान चली गई। 18 मार्च 2023 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रील बनाते वक्त युवक बिल्डिंग से गिर गया, उसकी मौत हो गई। जान का जोखिम होने के बावजूद सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज पाने की सनक ऐसी है कि रीलबाज ऐसा करने से बाज नहीं आते। उत्तराखंड में रीलबाजों ने जो कृत्य किया है वो न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी जोखिम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों मंडलों में कई जगह जो जंगल हैं वहां पर भीषण आग की चपेट के हालात बरकरार हैं। आग पर काबू पाने के लिए पौड़ी के डीएम ने वायुसेना से मदद मांगी है। पिछले साल नवंबर के महीने में उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की पहली घटना दर्ज हुई थी। तब से लेकर अब तक जंगलों में आग की 910 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। कुमाऊं मंडल में आग की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई। यहां अल्मोड़ा जिले में 56 घटनाएं हैं, जहां 85.5 हेक्टेयर आग में जलकर खाक हो चुका है। चंपावत में आगजनी की 55 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। रामनगर में जंगल में आग की 31 घटनाएं हुई, जिनमें 45.37 हेक्टेयर जंगल जल गए। नैनीताल में 29 और हल्द्वानी में आगजनी की 27 घटनाएं हुई, इसमें 28.03 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने देखते ही देखते आसपास की कई फॉरेस्ट रेंज को चपेट में ले लिया है। इसमें पिथौरागढ़, भवाली, नैनीताल, रामनगर, गैरसैंण और धरासू शामिल। पौड़ी जिले के डीएम ने आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना को खत लिखा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जंगल की आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। सभी जनपद के एसपीज अपने अपने जनपदों में डीएफओ के साथ मिलकर इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो मेरे पास सूचना आई है उसमें हम लोगों ने 9 अलग अलग जनपदों में मुकदमे भी दर्ज किए हैं और एक केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। जंगल में आग के पीछे जो बड़ा कारण सामने आया है उसमें एक चीड़ के पेड़ की ज्यादा तादाद है।
उत्तराखंड के जंगलों में करीब 4 लाख हेक्टेयर का इलाका चीड़ के पेड़ों से घिरा है। चीड़ के पेड़ की पत्तियां काफी ज्वलनशील होती हैं। इलाके में लंबे वक्त से बारिश न होने के चलते पत्तियां आग पकड़ रही हैं और जंगल सुलग रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जंगलों में आग की 90% घटनाओं के लिए इंसानी लापरवाही जिम्मेदार है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उत्तराखंड के लिए ये संकट कितना गंभीर है। बावजूद इसके कुछ लोग महज सोशल मीडिया पर फर्जी लाइक्स की चाहत में इस संकट को और बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की जांच हो रही है, लेकिन एक नई जांच दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी शुरू हो सकती है, वो भी आतंक के मामले में। शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब केजरीवाल के खिलाफ वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की शिकायत पर दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने NIA जांच की सिफारिश की है। इस शिकायत के एक एक आरोप आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल उठने लाजमी है। क्या केजरीवाल का आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कोई कनेक्शन है? क्या केजरीवाल ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पैसे लिए हैं? क्या केजरीवाल ने आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए प्रयास किए? क्या केजरीवाल की खालिस्तान समर्थक भावनाओं को भड़काया? केजरीवाल पर दिल्ली के LG वीके सक्सेना के आरोपों में कितना दम है? आखिर दिल्ली के LG ने केजरीवाल पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगाए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के संकेत दिए थे। कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल केस की सुनवाई होगी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर बड़ा बम फोड़ दिया। दिल्ली के LG ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केजरीवाल NIA जांच की सिफारिश की है। अपनी शिकायत में LG ने केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन लेने का आरोप। LG को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल ने आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए पैसे लिए। शिकायत में केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। LG सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ फॉरेंसिक जांच की सिफारिश की है। दिल्ली के LG ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो का भी जिक्र किया है। LG ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने एक आतंकी की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से भी सिफारिश की थी और बदले में आतंकी संगठनों से पैसे लिए। LG ने जनवरी 2014 में केजरीवाल के इकबाल सिंह को लिखे लेटर को रेफर किया। LG का आरोप, भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी। केजरीवाल का लेटर मिलने के बाद इकबाल सिंह ने अपना अनशन खत्म किया। LG ने आरोप में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो का भी जिक्र किया। आतंकी पन्नू ने वीडियो में कहा था कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन लिए। दिल्ली के LG के इन बेहद गंभीर आरोपों के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। NIA जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी का बयान आ गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि LG साहब BJP के एजेंट हैं। दिल्ली में BJP सभी 7 सीटों पर हार रही है और इसीलिए BJP के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचा जा रहा है। हार के डर से BJP बौखला गई है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर BJP ने भी पलटवार किया। केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप की ये पॉलिटिकल रील जरूर देखिए। दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बनाकर के जेल में डाल देंगे, उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ। अभी एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। LG साहब का क्या है? LG साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं। एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जिस पर बैन लगा हुआ है, पूरा विश्व इस बात को जानता है, अपनी चोरी करने के लिए और अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी उनसे भी चंदा लेती है, और छोटा मोटा चंदा नहीं लेती, $16 मिलियन। इस जांच का मैं स्वागत करता हूं। जो लोग देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा के साथ खेलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की हार दिख रही है, उसी का ये परिणाम है। ये 16 मिलियन लिया कि नहीं लिया, ये तो जांच में होगा। 8,000 करोड़ ED के माध्यम से भाजपा ने वसूली की, ये तो साफ साफ आ गया। इस पे कब एक्शन लेंगे? भाजपा के नेता के ऊपर कब NIA की जांच होगी? तो ये जो इस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है LG ऑफिस का, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है NIA की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुतवंतवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया, ये सारी बातें अब NIA की जांच में सामने आएंगी। केजरीवाल की मुश्किल तब बढ़ती दिखाई दे रही है जब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर कल सुबह फिर सुनवाई करने जा रहा है। इधर चुनावी मौसम में केजरीवाल का मामला सियासी हंगामे की वजह बना है, वहीं एक सियासी सस्पेंस भी यूपी में देखने को मिला है। पूर्वांचल की चर्चित जौनपुर सीट का सीन अचानक से बदल गया है। यहां धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह मायावती की पार्टी BSP से चुनाव मैदान में थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन वो मैदान से हट गई। अब सवाल ये पूछे जाने लगे हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा गया या उन्होंने टिकट वापस ले लिया। धनंजय सिंह की पत्नी ने नामांकन वापस लिया या उनका नाम नामांकन वापस करवाया गया है? क्या श्रीकला सिंह के टिकट पर मायावती और धनंजय सिंह की कोई बात हुई? इन सब सवालों के जवाब हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा की इनसाइड रिपोर्ट में देखिए। जौनपुर संसदीय सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह के इस गेम से आउट होने के बाद यहां का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। श्रीकला सिंह ने पिछले हफ्ते उसी दिन पर्चा भी भर दिया था जिस दिन बरेली जेल से उनके पति धनंजय सिंह रिहा हुए। TV9 भारतवर्ष ने जब धनंजय सिंह से टिकट पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ धोखा हुआ, आखिरी वक्त में उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि BSP कह रही है कि धनंजय सिंह ने खुद अपनी पत्नी का टिकट वापस लिया। धोखा किसने दिया? आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने धोखा दिया और वो ये कह रहे हैं कि आपने धोखा दिया, धोखा किसने दिया? देखिए, हम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से कई बार धोखा खाया हूँ, फिर धोखा खाया हूँ। इस बार मैं क्या, मेरी पत्नी धोखा खाए? मैं उनसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो टिकट काटा गया है आपका? बिल्कुल टिकट काटा गया है, बिल्कुल टिकट काटा गया है। झूठ बोल रहे हैं जो खरवार जी बोल रहे हैं, हमारे उससे किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं हुई। अरे टिकट आपने कैंडिडेट को ले जाके दिला था, हम तो गए नहीं थे मिलने, हमने तो आपसे आग्रह नहीं किया था, आपने बुला के उनको लिया, मैं तो उस समय जेल में था। देखिए, प्रत्याशी मजबूरी में बदला गया और जब श्री धनंजय सिंह ने अपना पर्चा वापस लेने की बात कही, कहा कि हम चुनाव से बाहर चले जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। TV9 पर धनंजय सिंह ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने टिकट नहीं मांगा था, BSP ने ही उनको अप्रोच किया। ना मेरी आपसे मिलने आए थे मुझसे, ना आपसे मुझे फोन पे वार्ता थी, तो फिर टिकट तो आपने दिया लिया ना, वो आपके पास तो गई नहीं थी। वो जिला पंचायत अध्यक्ष है यहाँ पे इस जिले में, वो सम्मानित एक पद है उनका, आप उनके पास खुद गए थे आप लोग, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था आपके पास, तो अब किन परिस्थितियों में आपने दिया वो आप जाने। जब श्री कला जी हमारी प्रत्याशी बन गई, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, माननीय बहन जी से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमको प्रत्याशी बनाइए, तो उनको प्रत्याशी बना दिया गया था। सवाल ये भी था कि क्या धनंजय सिंह ने किसी दबाव में पत्नी का टिकट लौटाया? हमने जब उनसे ये सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप किसी दबाव में थे? कुछ कहा गया, ऊपर से दबाव बनाया गया इसलिए आपने असमर्थता जता दी? किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है जौनपुर में? धनंजय सिंह किसी के दबाव में आने वाले हैं क्या? मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आया। व्यवहार एक अलग बात हो सकती है, आप हमें व्यवहार में जीत सकते हैं, दबाव में हम लोग कभी किसी से नहीं डरे। कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह से BJP के किसी ताकतवर नेता ने फोन पर बात की, हालांकि उन्होंने हमें बताया कि ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन ऐसी चर्चा है कि इसी हफ्ते उनकी BJP के किसी बड़े नेता से मुलाकात होने वाली। वैसे धनंजय की पत्नी के चुनावी मैदान में ना होने का सीधा फायदा BJP को हो सकता है। BJP ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। कृपा शंकर और धनंजय दोनों ठाकुर बिरादरी से आते हैं, ऐसे में श्रीकला सिंह के लड़ने से BJP के वोट में बंटवारे का खतरा था। धनंजय सिंह से ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने की थी, लेकिन जौनपुर से अब समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, जबकि BSP से यादव बिरादरी के श्याम सिंह यादव हैं, दोनों OBC हैं। श्रीकला के हटने से BJP को ठाकुर और सवर्ण वोटों का सीधा फायदा होगा। अगर जौनपुर का जाति गणित देखें तो यहाँ कुल वोटर 19 लाख से ज्यादा है, इनमें ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है। 2019 में करीब 2,43,000 ब्राह्मण वोटर थे, 2,32,000 के साथ दूसरे नंबर पर अनुसूचित जातियों के वोटर हैं।
मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 2.25 लाख जबकि 2 लाख राजपूत वोटर करीब करीब यहां पर बताए जाते हैं। माना जाता है कि धनंजय सिंह की पकड़ राजपूत वोटरों के साथ मुस्लिमों और दूसरी बिरादरी में भी है। श्रीकला सिंह के हटने के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए ये मुकाबला कैसा रहने वाला है, धनंजय सिंह पर उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से ये बातचीत जब पूछी गई, ये सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। धनंजय सिंह या मलनी हमारा भी क्षेत्र है, यहाँ जा रहा, लेकिन वहां पे वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे, बहुत सालों तक रहे, वो तो बट नेचुरल है, जो जिस इलाके में होता है उसकी अपनी पकड़ तो होती है। और धनंजय सिंह वहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे, एक बार विधानसभा जीते, फिर उन्होंने छोड़ा, जो ये बन गए लोकसभा में गए, उनके पिताजी विधायक रहे, इसके बाद भी रहे, और अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत की मतलब अध्यक्ष भी है, तो कई कारण थे, वो हैं यहाँ पे। वो कांटा तो निकाल दिया ना आप लोगों ने, कांटा नहीं है। धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव तो खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रंगदारी और अपहरण के एक केस में सजा हो गई और उनका सपना टूट गया। हालांकि पिछले हफ्ते जमानत पर जेल से रिहा धनंजय सिंह ने यह भी दावा किया कि जौनपुर में वही जीतेगा जिसे उनका समर्थन हासिल होगा। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। बगैर हम लोगों के सहमति जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय। बगैर हम लोगों के सहमति जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय। बगैर हम लोगों के सहमति जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय। यूपी की राजनीति के बाद अब बात उस शब्द की जिसका जिक्र करके महाराष्ट्र से बिहार और पंजाब से कश्मीर तक जोरदार राजनीतिक वाक युद्ध चल रहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी में पाकिस्तान शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। हमले में एक जवान ने शहादत दी, 4 जवान घायल हुए और इस आतंकी हमले पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता आतंकी घटना को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो खुद तो घिरे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि चुनाव आने पर सरकार ऐसे स्टंट कराती है। ऐसा ही एक बयान बिहार से भी आया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कारण ये जवान शहीद हो रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को बीजेपी ने सेना से जोड़ दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। एक दिन बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बता दिया। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी जैसा ही एक बयान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी दिया। चुनाव आता है तो मोदी जी अभिनंदन करवाते हैं, शहीद जो हुए ये सब किसके वजह से हुए, मोदी जी के वजह से हुए, तो पहले कहां कोई शहीद। आतंकवादी हमलों पर सवाल पूछना ठीक है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी और तेज प्रताप यादव ने जो कहा वो उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने इसे सेना से जोड़कर विपक्ष पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। चन्नी के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। कि इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 2020 से जब जब कश्मीर में हमारे जांबाजों की शहादत हुई संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला, वो शायद अब बोलेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की जालंधर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके इस बयान को बीजेपी नेता खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। आज जो ये सवाल उठा रहे हैं चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह गए हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते।
ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सेना पर हुए आतंकी हमलों को लेकर पूछे गए सवालों में घिरी हो। पिछले साल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर इसी तरह का बयान दिया था। दिग्विजय ने कहा था, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, सरकार इसका खुलासा नहीं कर पाई, आखिरी आरडीएक्स आया कहां से? पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर राजनीतिक वाद विवाद के बीच आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल दो आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े स्तर पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चुनाव प्रचार के शोर के बीच पाकिस्तान शब्द की गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो अब कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता से भी पूछे जा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, देखिए। चुनाव 2024 का है लेकिन कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने 16 साल पहले हुए मुंबई आतंकी हमले के कुछ पन्ने पलट दिए। बंद करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे, आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोहाची देशद्रोहांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। विजय वडेट्टीवार ने शहीद हेमंत करकरे और अजमल कसाब का नाम लेकर इस केस में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम पर गंभीर आरोप लगाए। उज्ज्वल निकम मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आरोप लगे तो निकम ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस पर पलटवार किया। पाकिस्तान ने अब तक ये नकारा नहीं, पाकिस्तान ने बोला हाँ सच ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये हमारे कांग्रेस के विपक्ष नेता, जैसा मेरा कैंडिडेचर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया तो इनको मिर्ची लग गई और इन्होंने अब तक इन्होंने आरोप ही कभी लगाए नहीं, लेकिन पहली बार इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा दिए। इसका मतलब उन शहादत की आप अब इंसल्ट कर रहे। उज्ज्वल निकम ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उस घटनाक्रम के बारे में भी बताया जब तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे आतंकियों की फायरिंग में शहीद हुए थे। अजमल का साहब ने अपने इकबाली बयान में कह दिया था, जो प्रूव हो गया है, कि जैसे कामा हॉस्पिटल के बाहर मैं और अबू इस्माइल आ गए तो एक पुलिस जीप आ रही थी, हमने फायरिंग ओपन कर दी, उन्होंने भी फायरिंग की, मेरे हाथ को इंजुरी लगी जिसका मेडिकल एविडेंस हमारे पास है, और फिर गोलीबार हुआ, और मैंने जब देखा हमने गोलीबार के बाद तो पुलिस ऑफिसर की जो जीप थी उससे फायरिंग बंद हो गया। हम गए अंदर जीप के अंदर, वहाँ 3 बड़े पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी थी, हमने वो डेड बॉडी उठा के पीछे डाल दी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उज्ज्वल निकम पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली देशद्रोही उज्ज्वल निकम है और ये देशद्रोह का सवाल है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। जो पाकिस्तान चाहती है वही बात कांग्रेस कह रही है, ये बात का स्पष्टता कांग्रेस दे। विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, इसलिए उनके बयान से बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता ऐसे बयान देकर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, साथ ही शहीदों का अपमान भी कर रहे हैं।